हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़े हुए 10 ऐसे रहस्यों के बारे में जिनका पता आज तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप तिरुपति मंदिर से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि हम तिरुपति कैसे जाएं, वहां कहां रुकें, वहां खाने की क्या व्यवस्था है, उसका मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और उस वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी देखने को मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। भारत के सबसे चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिरों में से एक है भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर। भगवान तिरुपति के दरबार में गरीब और अमीर दोनों सच्चे श्रद्धा भाव के साथ अपना शीश झुकाते हैं। हर साल लाखों लोग तिरुमाला की पहाड़ियों पर स्थित इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। मान्यता है कि भगवान बालाजी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमाला में निवास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, बालाजी उनकी सभी मुरादों को पूरी करते हैं और मनोकामनाएं पूरी होने पर भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार यहां आकर तिरुपति मंदिर में अपने बालों का दान करते हैं। तिरुपति मंदिर में मनोकामना पूरी होने पर बाल दान करने की प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर रोज लाखों लोग अपने बालों का दान करते हैं। इस अलौकिक और चमत्कारिक मंदिर से ऐसे रहस्य जुड़े हैं जिन्हें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर से जुड़े 10 रहस्यों के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर जो बाल लगे हैं वो बाल असली हैं और यह बाल कभी भी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान खुद विराजमान हैं। जब मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में है, लेकिन आप जैसे ही गर्भगृह के बाहर आएंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा दाहिनी तरफ स्थित है। अब यह सिर्फ भ्रम है या कोई भगवान का चमत्कार, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। ये आज तक रहस्य बना हुआ है। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा अलौकिक है। यह विशेष पत्थर से बनी है। यह प्रतिमा इतनी जीवंत है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं भगवान विष्णु यहाँ विराजमान हों। और ऐसा कहा जाता है इस मंदिर में स्थापित भगवान बालाजी की प्रतिमा को पसीना भी आता है। उनकी मूर्ति पर पसीने की बूंदें देखी जा सकती हैं, इसीलिए मंदिर के तापमान को कम रखा जाता है। अब बालाजी की मूर्ति पर पसीना कहाँ से आता है, ये बात अपने आप में एक रहस्य बनी हुई है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दीपक में कभी भी घी या तेल नहीं डाला जाता है। यहाँ तक कि यह भी पता नहीं है कि दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था। ये बात अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। मंदिर के मुख्य द्वार के दरवाजे पर दाईं तरफ एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान वेंकटेश्वर की पिटाई की गई थी, जिसकी वजह से उनकी ठोड़ी पर एक चोट लग गई। तब से आज तक उनकी ठोड़ी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुने तो समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। और यह भी कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा हमेशा नम रहती है। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर पचाई कपूर लगाया जाता है। कहा जाता है कि यह कपूर किसी भी पत्थर पर यदि लगाया जाए तो पत्थर में कुछ समय में दरारें पड़ जाती हैं, लेकिन भगवान बालाजी की प्रतिमा पर पचाई कपूर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर से 23 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है, जहां गांव वालों के अलावा उस गांव में कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता।
इस गांव में लोग बहुत ही अनुशासित हैं और नियमों का पालन कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और मंदिर में चढ़ाए जाने वाले पदार्थ जैसे कि फूल, फल, दही, घी, दूध, मक्खन आदि इसी गांव से आता है। ये गांव अपने आप में एक रहस्य है। इस गांव का पता आज तक किसी को नहीं लगा है। गुरुवार के दिन भगवान वेंकटेश्वर को चंदन का लेप लगाया जाता है और चंदन का लेप लगाने के बाद जब उसको हटाया जाता है तो उसके बाद एक अद्भुत रहस्य सामने आता है। जब भगवान का श्रृंगार हटाकर उनको स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है और जब इस लेप को हटाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माता लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसका पता आज तक कोई भी नहीं लगा पाया है। भगवान वेंकटेश्वर में माता लक्ष्मी के समाहित होने के कारण ही भगवान की प्रतिमा को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़े हुए 10 ऐसे रहस्य जिनके बारे में आज तक वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।